सारा कुछ है। लेकिन सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता था कि इसकी कोई वीडियो वायरल हुई है। ये तो उसका व्लॉग देखने के बाद, उसकी कुछ चंद वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि इसने कुछ, इसका कुछ इस तरह का सीन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग, क्योंकि काफी दिन से मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि यार जिस दिन भी मैं कपड़े धोता हूँ ना, मेरा वही पठान वाला हिसाब हुआ होगा। जिस दिन मैं कपड़े धो रहा उस दिन या बारिश आ जाती है या आंधी आ जाती है। अभी मैं कपड़े ऊपर फैला के आया, तो ऊपर कपड़े फैला के नमाज पढ़ने के लिए आया, तो देखा बने हुए। क्या जुलम है? तो अभी जाके देखते हैं, परेशानी भी आ रही है, जाके देखते हैं कपड़े सेफ एंड साउंड है कि नहीं, क्योंकि अभी अभी तो धोए हैं। जाके चेक करते हैं ऊपर छत पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत की तरफ, तो जाके देखते हैं कि क्या बना कपड़ों का सेफ एंड साउंड है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर दोबारा चेक करना धोने पड़ेंगे। जैसा कि मुझे लगा था वैसे ही हालात है। और अभी मैं पूछा जाने वाला नहीं हूँ। ये ट्राउजर भी पहले भी गंदा हो गया, ये मैंने रात में सोने के लिए पहनना होता है। कोई अच्छा सा बंदोबस्त करते हैं अभी। तो इनको गिरा लगा लिया मैंने ताकि ये जब हवा तेज हो तो ये गिरे ना। तो चलते हैं वापस। तो जैसा मुझे लग रहा है आज फिर से इंशाल्लाह बारिश होगी। और सज्जा में जरा सी तो कैसे आंधी आ जाए ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम रेत में रहते हैं। तो ऐसे रेत और रेत हुआ हुआ, इस वक्त चेहरा भी पूरा रेत से भरा हुआ होगा, तो इसलिए मेरा रंग भी इतना अच्छा नहीं आ रहा, वैसे भी इतना अच्छा नहीं है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। और ये देखें आंधी की सूरत हाल, और उसके बाद बादलों की सूरत हाल, और देखें अब क्या होता है। मुझे लगता है आज बारिश होगी होगी। वैसे तो उन्होंने दो तारीख का बताया हुआ था, लेकिन अभी एक तारीख है तो शायद हो जाएगी बारिश। जी बिल्कुल, जैसा मैंने जिक्र किया था वैसे ही आज बारिश हो चुकी है और हो रही है अभी भी। और इस वक्त जो है ना, मतलब सुबह सुबह बारिश लगी हुई, तो सुबह से ही शुरू है, कभी देर हो जाती है कभी स्नो हो जाती है। बारिश आपको नजर आ रही होगी, मेरे कपड़ों से आप जो अंदाजा लगा रहे हैं, अगर आपको वैसे नजर नहीं आ रही तो। और इसमें तो पता नहीं जल्द क्यों नहीं चाहिए आ रहा ये बारिश। तो ये हिसाब किताब है जी, बारिश फिर से शुरू हुई है, लेकिन पुराना वाला पानी अभी इनसे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी शारजा में पानी खड़ा हुआ है और दुबई में भी गई, दुबई में वैसे उन्होंने निकाल दिया था पानी, लेकिन शारजा में अभी भी पानी है काफ़ी मकदार में ना, काफ़ी तादाद में पानी खड़ा हुआ है। और अभी दोबारा ये बारिश होगी और दोबारा उतनी ही तेज़ हो रही है, कभी रुक रही है कभी फिर से तेज़ हो रही है। तो अभी कोई पता नहीं क्या आगे क्या होने वाला है, लेकिन बारिश अभी काफ़ी तेज़ है। अभी मुझे लगता है कि रात तक जो इन्होंने कहा हुआ है रात तक बारिश होती रहेगी। और अच्छा किया था मैंने कल ही कपड़े उतार लिए थे जो जो मैंने सुखाने के लिए रखे हुए थे, और अभी जो है वो शुक्र है कि वो कल सूख गए थे जी। तो व्लॉग का अहतमाम करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं बल्कि बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, जिसमें अरूप जतोई का कुछ कोई वीडियो AI जनरेट करके किसी ने वीडियो अपलोड की है, तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ ने अच्छे भी किए हैं कुछ ने बुरे भी किए हैं। तो लोगों का कहना है कि इसने शाम वो जो कनाडा में वीडियो बनाता था अपनी वाइफ के साथ, उसने डक्की ने उसको बहुत ज़्यादा रोस्ट किया था, उसकी वाइफ को भी किया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुकाफ़ाते अमल है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इनका अपना प्लान है, ये इनका अपना किया हुआ सारा कुछ है। लेकिन सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता था कि इसकी कोई वीडियो वायरल हुई है। ये तो उसका व्लॉग देखने के बाद, उसकी कुछ चंद वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि इसने कुछ, इसका कुछ इस तरह का सीन हुआ है। तो अगर ये बंदा वीडियो ना बनाता तो मिलियंस ऑफ पीपल को ये पता ही नहीं चलता कि इसका कुछ इस तरह का सीन भी हुआ। तो इसीलिए लिहाजा इसने कुछ, ये भी हम कह सकते हैं कि शायद इसने अपने 7 मिलियन पूरे करने के लिए किया होगा, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमने, मैंने आज तक वीडियो नहीं देखी, अभी तक वीडियो नहीं देखी, और मैं देखने के हक में भी नहीं हूँ। तो वैसे अगर किसी के पास लिंक हो तो वो अटैच कर सकता है, वो मसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
लोगों के जो कमेंट्स हैं वो उसके बराबर मुताबिक सही हैं कि या तो ये मकाफात अमल है या फिर इनका कोई अपना सीन है, कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है। तो इसी के साथ हमें भी इजाज़त दीजिए, हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।